दोस्तों नमस्कार। हाँ भाई, कल पहला लेक्चर हमारा अपलोड हो गया सीएलसी सीकर हमारी यूट्यूब पे, हमारे सारे फेसबुक पेज पे हमने उस लेक्चर को अपलोड कर दिया। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि 2013 से लेकर 2019 तक नीट के प्रीवियस पेपर जो हैं उनको हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को रिसेट किया और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सोल्यूशन स्टार्ट किया है। तो कल हम लोगों ने 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जिसमें वेक्टर पे थे, एरर पे थे, इंस्ट्रूमेंट पे थे, ठीक है डियर, और रिलेटिव मोशन पे भी थे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे 2D। आज हम फिर से 30 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आज 2D पे बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों उनका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि ये पूरा एक सिक्वेंस रहेगा, ठीक है डियर। तो आप इसको लेक्चर 2 नाम देंगे। आज तारीख 6 अप्रैल है, 6 अप्रैल 2020 को ये सेकंड लेक्चर के नाम से अपलोड करेंगे। तो निश्चित रूप से दोस्तों आप इसको शेयर भी करेंगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे। और हम कोशिश ये कर रहा हूं मैं कि उस क्वेश्चन के आसपास उस थ्योरी को दोस्तों लपेटा जाए, ठीक है। शुरू करें, बोलो बजरंग बली की जय। कार्यक्रम शुरू करते हैं भैया, आ जाओ। ये 16वां क्वेश्चन है, नीट 2013 में आया, 2013 की प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट एट ए इज दिस, इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड एट पॉइंट बी इज। अगला स्पष्ट कहता है भाई, देखो यहां देखो, ए पर इसकी वेलोसिटी है 2i + 3j और बी पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। मतलब ये सबसे इजी पार्ट है, मैं इसको डिस्कस करके भी 2D की बात भी आपसे करूंगा दोस्तों। ये आप देखो, मैं यहीं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं इसको। आप देखें प्लीज, ये वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा है, ठीक है डियर। तो ये इसका एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, और अपने स्पष्ट जानते हैं कि 2i + 3j है, इसका मतलब दोस्तों सीधा सीधा मतलब होता है, इसका मतलब होता है 2.3। ये इस पे आऊंगा थोड़ी देर बाद अभी। इसका सीधा मतलब है x अक्ष पे 2 है और y पे 3 है। और अपन जानते हैं डियर, थोड़ा सा इसको यहीं और डिफाइन कर ले, अपन सब लोग यहीं बात कर लेते हैं लोग, तो अपन अच्छे जानते हैं इसको अपन आई कैप कहते हैं, इसको माइनस आई कैप कहते हैं, इसको दोस्तों जे कैप कहते हैं, इसको माइनस जे कैप कहते हैं। और ऐसे जो लाइन खड़ी हो जाएगी वो क्या है, के कैप, और पीछे जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस के कैप, वो आपकी 3D बन जाएगी। अब आप देखें यहां जब खड़े हैं तो एक कंपोनेंट आपका ये है, दूसरा कंपोनेंट आपका ये है, तो 2i + 3j है। लेकिन जैसे यहां आ जाएगा तो डियर इसके जो कंपोनेंट हैं वो ऐसे 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। तो आप देखो पहले भी एक्स कंपोनेंट आई पे था, अब भी एक्स कंपोनेंट आई पे, लेकिन वाई कंपोनेंट जो प्लस जे पे था वो दोस्तों किस पे आ गया, माइनस जे पे। अब इससे आसान क्या हो सकता है, एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वाई को क्या करो, जो ऊपर प्लस जे था अब देखो नीचे माइनस जे आ गया, तो जो 2i + 3j था वो 2i - 3j हो गया। अब इससे आसान प्रश्न तो भाई क्या हो सकता है, 2i - 3j हो गया, लो जी 2i - 3j। तो डियर आपका ये पहला क्वेश्चन इसका आंसर हो गया। तो मेरे हिसाब से ये एक सबसे आसान सा क्वेश्चन है, ओके थैंक यू। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, प्रक्षेप्य गति पे मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो 2D का पार्ट होता है। आप जानते हो 2D में प्रोजेक्टाइल भी होता है और सर्कुलर मोशन भी होता है। सर्कुलर 2 प्रकार का होता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर और वर्टिकल सर्कुलर। इन पे एग्जाम में ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता जाता है, तो हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद थ्योरी के साथ डिस्कस करेंगे। अगला साफ कहते हैं प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 m/s एंड एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लेनेट विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 m/s एट द सेम एंगल ऑफ फ्लो ट्रेजेक्टरी पिच इज आइडेंटिकल विद द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल फील्ड फ्रॉम द अर्थ द वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट। इसका अर्थ वो क्या, सुनो ये तो पूरी रामायण होगी ना एग्जाम में पढ़ने। एक आदमी भैया पृथ्वी पे खड़ा है और 5 m/s के वेग से किसी थीटा एंगल पे किसी बॉडी को फेंकता है, ठीक है डियर। अब वो किसी दूसरे चला गया प्लेनेट पे, वहां वो क्या करता है बंदा, 3 m/s के वेग से दोस्तों उसी एंगल पे, सेम एंगल पे एक बॉल फेंकता है। और साफ कहता है ट्रेजेक्टरी बिल्कुल फील्ड है वो दोनों का सेम है, तो वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट, ओके डियर। बहुत सिंपल प्रश्न है, एक आदमी किसी पृथ्वी पे खड़ा है, थीटा एंगल पे भी बॉल फेंकता है, दूसरा किसी अन्य ग्रह पे है वहां से भी थीटा एंगल बॉल फेंकता है, ठीक है डियर, बट वेलोसिटी दोनों अलग अलग है और दोनों का जो पथ है, जो पाथ है वो सेम है। तो कहता है कि
अर्थ का यदि जी 9.8 मान लें तो बताओ उस प्लेनेट का जी कितना है। मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला कहता दोनों का एक जैसा पाथ है, इसका मतलब दोनों की रेंज इक्वल है। तो दोस्तों रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 इक्वल टू R2, यानी इस अर्थ का जो रेंज है, अर्थ पे जो उसकी रेंज है, वो रेंज कहां है, उस प्लेनेट पे है। तो डियर बस आ जाओ, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है हम सब जानते हैं, V² sin 2θ / G1 इक्वल टू U² sin 2θ इक्वल बट अपॉन G2। एक याद रखो फिजिक्स में जो चीज कांस्टेंट है उसके पीछे 1, 2 नहीं आता है। थीटा के पीछे 1, 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि थीटा सेम है। U1 U2 क्यों आया, क्योंकि U1 5 है, U2 3 है, G1 9.8 है, G2 आपको फाइंड आउट करना है। बस डियर आप इनको आपस में कैंसिल आउट कर दें, ठीक है जी। अब आप थोड़ा सा और आगे ले लें, ये U1² है, U1² अपॉन G इक्वल टू U2² अपॉन, इसको G1 कहा, इसको G2 कहा, ठीक है डियर। ये बात हम समझ चुके हैं, इसको मैं यहां से डिलीट मार देता हूं, प्रॉब्लम है जगह की। ओके, U1² क्या भैया, आपके सामने 5, 25, G1 का मान क्या है 9.8 मान लो, चलो 9.8 इक्वल टू U2 क्या दोस्तों 3, तो ये आपका 9 हो गया, इसको आप क्या मान लो G2। ओके डियर ये 9 है भैया, तो बस डियर अब तेरे सामने सामने G2 क्या हो जाएगा 9 × 9.8 अपॉन 25, इसको लगभग आप 10 कह सकते हो दोस्तों, तो ये 90 है। अब अप्रोक्सीमेट निकाल लो, 90 को दोस्तों 25 से डिफाइन करो, 25 × 75 3 × 25 ओके, ये लो जी आंसर आपका 3.5 आ गया। अब मुझे बताओ इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है, सुनो सुनो, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेपी गति है, एक आदमी पृथ्वी पे फेंक रहा है, एक किसी अन्य ग्रह पे फेंक रहा है, दोनों अलग अलग वेग से फेंक रहे हैं, सेम एंगल पे फेंक रहे हैं, सेम रेंज पे फेंक रहे हैं, तो ये जी का अलग अलग वैल्यू होना स्वाभाविक है। तो इक्वेशन 1 बनाएंगे, इक्वेशन 2 बनाएंगे, तो R1 R2 के बराबर है तो दोनों को इक्वल कर देंगे, आपके सामने आंसर आ गया। अब मेरे हिसाब से इससे आसान का प्रश्न नहीं हो सकता, AIPMT 2014 में आया, बताओ एग्जाम में आता है क्या, मुझे आज तक नहीं पता लगा भैया। ओके थैंक यू, ओके डियर ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, 2D बेस्ड क्वेश्चन है। अगला साहब कहता है पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स XYR, वो कहता है कण है इस प्रकार गति कर रहा है, उसके निर्देशांक XY जो है वो दोस्तों 2 और 3, 4 और 7, 13 और 14 0 सेकंड पे यहां है, 2 सेकंड पे यहां है, 5 सेकंड पे यहां। अगला साहब कहता है एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम 0 से 5, 0 से 5 सेकंड तक आपको इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। आप दोस्तों अच्छी तरह जानते हो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो बहुत अच्छी तरह देख लो, वो होता है DS/T। DS का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का दोस्तों हमेशा अर्थ क्या होता पता है, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। फाइनल किस पे, 5 सेकंड पे, 5 सेकंड कहां है 13 और 14, 13 और 14 का मतलब एक्स एक्स पे 13 है, वाई एक्स पे 14 है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा 13i cap + 14j cap। चलो जी माइनस 0 पे कौन है 2 और 3, इसका मतलब क्या हुआ 2i cap + 3j cap, और टाइम डिफरेंस कितना है इसमें 5। ओके डियर 13 में से 2 निकाल 11 बचे, 14 में से 3 निकाल फिर कितने बचे भाई 11 बचे, तो ये तेरा 11j/5। तो डियर 11 को बाहर निकाल लिया, 5 को बाहर निकाल लिया, i + j बच गया, तो साफ साफ पता लग रहा तेरा आंसर क्या हो गया भैया, फोर्थ आंसर हो गया। बता फिर कहां दिक्कत क्या है, मतलब ये 10th क्लास क्वेश्चन है यार, सिंपल से। अगला स्पष्ट कहता है एवरेज वेलोसिटी नॉट एवरेज स्पीड, ये ध्यान रखना भैया, एवरेज स्पीड पढ़ाया टीचर ने आपको अलग होती है, एवरेज वेलोसिटी अलग होती है। वेलोसिटी यानी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मतलब मुझे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, नहीं कि मुझे, ना कि मुझे डिस्टेंस चाहिए। तो दोस्तों डेल्टा एस अपॉन टी फाइनल माइन, गांठ बांध लो, जब भी किसी डेटा के पीछे डी लग जाता है या डेल्टा लग जाता है उसका मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। हो गया आराम से हो रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों AIPMT 2014 में आया हुआ है। ओके थैंक यू, ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों।
कोणीय संवेग संरक्षण का बेस्ट क्वेश्चन है। कोणीय संवेग संरक्षण क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको बता दूं, मैं हम सब जानते हैं दोस्तों, बात ध्यान सुन लो, हम पढ़ते हैं एफ इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी। यदि एफ जीरो होगा तो डीपी इक्वल टू जीरो होगा, यानी पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। यदि लीनियर मोशन जब होता है और उस पर अप्लाइड फोर्स जीरो हो तो वो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कहलाता है। अब सिंपल बात है यारो, जहां एफ है वहां टो आ जाता है, जहां पी है वहां जे आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो एक बात, यदि टो जीरो है, ठीक है डियर, बलागुण जीरो है, टोर्क जीरो है, तो डीजे इक्वल टू जीरो हो जाएगा और जे इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है ना। बस यही क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, इसके अलावा दोस्तों कुछ नहीं है। अगला साहब कहता है एम द्रव्यमान का एक पिंड किसी वो, देखो आप देखो, ये आप एक सीन देखो कि आपकी टेबल है, ध्यान दे, इस टेबल पे आप, चलो टेबल छोड़ो यार, ये आपका हाथ है, आप हाथ से एक रस्सी बंधी हुई है और उससे आप ऐसे एक एम द्रव्यमान के पिंड को हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं, घूम रहा है ऐसे, घूम रहा है ना। कॉमन सेंस की बात है, भी आप रस्सी को कोई आदमी ऐसे आपसे हाथ से खींच दे और रस्सी छोटी हो जाए तो घूमने वाला सर्कल छोटा हो जाएगा, तो बताओ स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, स्पीड बढ़ेगी, कॉमन सेंस की बात है। लंबी रस्सी घुमाओगे तो उसकी स्पीड कम रहेगी, रस्सी छोटी हो जाएगी तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। ऐसा बताओ क्यों होता है, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स ने लगाया है, तो एम वी आर इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट है। इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एम तो कॉन्स्टेंट है, वी और आर का जो मल्टीप्लाई है वो कॉन्स्टेंट है। दोस्तों आर कम हो गया तो वी ज्यादा हो जाएगा, और R ज्यादा हो गया तो V कम हो जाएगा। बस वही बात इस प्रश्न पे भाषा खड़ी होती है। अगला क्या कहता है, साफ कहता है दोस्तों आपकी डोरी जुड़ी हुई है, पहले R नोट पे घूम रही है, V नोट वेग से, फिर वो कहता है किसी कारणवश डोरी के तनाव को बढ़ाया गया, डोरी के तनाव को बढ़ाया, खींच दिया, सीधी सी बात यह है। तो दोस्तों वो R बाई टू छोटे रेडियस पे आ गया ना, तो अब वो कहता है उसकी अंतिम काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी तो बाद की बात है, पहले आप उसकी स्पीड निकाल लो। इसको मैं बोलता हूं घटना से पहले का वेग और घटना से बाद का वेग, सीधा फंडा है। वेलोसिटी बिफोर एक्सीडेंट आफ्टर एक्सीडेंट, बिफोर फिनोमिना आफ्टर फिनोमिना, बस एक सीधी सीधी बात इतनी सी है। या आप चला जाओ तो दोस्तों आप क्या कहोगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एम वन वी वन आर वन, एम टू वी टू आर टू, एम वन से एम टू कैंसिल आउट कर दो, बॉडी तो वही है ना। ओके डियर आ जाओ, वी वन पहले, पहले वेलोसिटी कितनी है v नोट, r1 पहले दोस्तों क्या है, अगला खुद कह रहा है r नोट इक्वल टू v2, आपको फाइंड आउट करना v डैश, r2 अगला खुद कह रहा है कितना हो गया भाई, r नोट बाय 2 हो गया। ये ले डियर, तो r नोट कैंसिल आउट कर दे, तो अब जो तेरा v डैश आया है वो क्या आ गया, 2v नोट, यानी पहले वेलोसिटी आपकी v नोट है तो वेलोसिटी क्या होगी, 2v नोट। कॉमन सेंस की बात है, रेडियस हाफ हो गई तो वेलोसिटी डबल होगी। बस डियर, अब अगला पूछता है व्हाट्स एनर्जी ऑफ काइनेटिक, वो क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है हम जानते हैं दोस्तों, हाफ एम वी स्क्वायर, वी का मान क्या है डियर, वो स्पष्ट शब्दों में दिखाई दे रहा है 2v नोट, तो यहां 2v नोट करेंगे तो 4v नोट का स्क्वायर, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर है 2m v नोट का स्क्वायर। ठीक है डियर, 2mv नोट का स्क्वायर, तो 2mv नोट का होल स्क्वायर मतलब, तो स्पष्ट है दोस्तों आपका आंसर क्या आ गया, 4 नंबर। बताओ कहां दिक्कत है, रुको एक मिनट, समझो क्वेश्चन को, ये तो बहुत बकवास कर रहा है। आपने 10 मीटर की रस्सी से पत्थर बांध कैसे घुमाया, उसकी वेलोसिटी है मान लो 10, अब रस्सी की लंबाई ऐसे खींच के 5 मीटर कर दी, बाहर से आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तो दोस्तों कॉमन सेंस की बात है, जैसे रस्सी छोटी जाएगी उसकी स्पीड डबल हो जाएगी ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एम वन वी वन आर वन इक्वल टू एम टू वी टू आर टू, एम वन एम टू कैंसिल आउट कर दो, बॉडी पहले भी वही थी, बॉडी अभी वही है, तो देखा जाए क्या है, वी वन आर वन इक्वल टू वी टू आर टू। दोस्तों इस बात को मैं जोड़ूं, याद करो ये सूर्य है, इसके चारों ओर जो सैटेलाइट्स ग्रह चक्कर लगाते हैं, उपग्रह चक्कर लगाते हैं, याद करो जब वो इसके नजदीक होता है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, जो दूर होता है तो स्पीड कम होती है। इसका बेस्ट तरीका बताऊं क्या है, इसको एक्चुअल में दोस्तों यूं लिखा जाता है, कभी गौर करना, v मैक्सिमम r मिनिमम और v मिनिमम r मैक्सिमम, मैक्सिमम गुणा मिनिमम इक्वल टू मिनिमम गुणा मैक्सिमम। तो ये आपका अच्छा खासा क्वेश्चन था, किस पे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे। थैंक यू दोस्तों,
ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा 2020 माने वाला क्वेश्चन है, ये एक स्ट्रेंड क्वेश्चन है, इसमें आपको बुद्धि लगानी है, इसमें आपकी साल भर की प्रैक्टिस काम आएगी। दोस्तों आपको आर का एक इक्वेशन दिया हुआ है, किसी पार्टिकल का आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ, साइन और कोस आई कैप और जे कैप के डेटाज के रूप में, ओके। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनता है, 99% क्वेश्चन वही बनता है जो अगला चाहता है, जिसका एक ऑलमोस्ट फिक्स आंसर है। आप सबसे पहले इस आर कैप का दोस्तों एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो तो आप जानते हो क्या बन जाएगा, V बन जाएगा, ओके डियर। तो इसको आगे ले, इसको करेंगे, और आप जानते हो इसको मैं आई कैप से रिप्लेस कर सकता हूं, इसको मैं जे कैप, एक ही बात है, ये बात आप जानते हो। यहां माइनस बाहर आएगा, ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा कोस ओमेगा टी जे कैप, ये आपका आर और वी हो गया। अब आप जानते हो दोस्तों आर और डॉट वी करेंगे तो ये जीरो आ जाता है, आएगा तो ये दोनों क्या होते हैं, हम जानते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, हम सब जानते हैं दोस्तों आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू वन होती है और आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। तो आप जानते हो ए डॉट बी में ए बी कोस थीटा होता है, याद करो ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कोस थीटा, थीटा जीरो तो ए बी हो जाता है, थीटा 90 तो कोस 90 जीरो हो जाता है, ओके डियर। अब आप खुद देख लो यार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो गया ना, तो ये आपका जीरो आ गया। तो एक बात तो साबित होगी आर और वी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। पहला क्वेश्चन समानांतर खत्म हो गया, दूसरा है वी आर के लंबवत है तथा मूल बिंदु के निर्देश है, दूसरा है वी आर के लंबवत है लेकिन मूल, अब इन दोनों में ढूंढना पड़ेगा कि लंबवत है कि नहीं है। तो कोई बात दोस्तों, लंबवत होगा कि नहीं होगा इसकी एक ही शर्त है, आप जानते हो अल्फा इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, आया ना, हम अच्छे जानते हैं दोस्तों अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर को यदि फुलफिल कर लेता है ये तो ठीक है, और ऐसा नहीं कर पाता है तो नहीं है। तो हम इसको देखने से हमें स्पष्ट पता लगता है डियर कि अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर की पालना कर रहा है, कैसे कर रहा है, चलो जी आप अल्फा की जगह आप ए लिख लो, एक ही बात है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, चल तो ये वी है ना तो वी का आ जा, घबराता क्यों, ए निकालना है आ जा, इसका फिर एक बार अवकलन कर दे, करूं आ जा, फिर एक माइनस ओमेगा बाहर आएगा, ओमेगा आएगा सॉरी माइनस पहले से, तो ओमेगा स्क्वायर ये क्या बनेगा रे, कोस ओमेगा टी आई कैप, यहां फिर ओमेगा बाहर आएगा, आया ना, पर ये माइनस आएगा भी इस बार ओमेगा का, इस बार ओमेगा का माइनस हो जाएगा, तो कोस का करना है तो तेरे साथ माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो गया भैया साइन ओमेगा टी, ये ले डियर ये माइनस ओमेगा स्क्वायर तो इसे बाहर निकाल ले, ये क्या बचा कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ये क्या है आर, ये रहा, तो हो गया ना यार ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर प्रूव हो गया ना, इसलिए इसका आंसर केवल और केवल क्या होगा भैया, दो नंबर होगा। थैंक यू। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 नीट 2016 की प्रॉब्लम है, और मैं ये मानता हूं कि ये कॉन्सेप्चुअल बहुत सी प्रॉब्लम है, ये रियल में आप प्रॉब्लम पढ़ ले पूरी लो एक बार, आप पढ़े प्रॉब्लम पूरी लो, आप खुद पढ़े प्रॉब्लम एक बार पूरी, ताकि आपके बात समझ में आए, मैं पढ़ू उसको। अगला स्पष्ट कहता है विराम अवस्था में स्थित 50 सेंटीमीटर रेडियस की कोई एक वर्ताकार डिस्क है जो अपने तल के परपेंडिकुलर सेंटर से पास अक्ष के प्रति घूमने को स्वतंत्र है, इसका मतलब है हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन, ओके, उसका रेडियस कितना है 50 सेंटीमीटर, इस डिस्क पे कोई बलाघून लग रहा है, इस पे कोई टॉर्क काम कर रहा है जो इसको दोस्तों एक्सीलरेट कर रहा है, कितना 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के कांस्टेंट, ये देखना नियत कांस्टेंट से नियत कोणीय त्वरण उत्पन्न कर देता है, तो 2 सेकंड के पश्चात आप उसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है डियर आ जाओ शुरू करें। देखो डियर ये कोई डिस्क घूम रही है तो इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पे 2 एक्सेलरेशन है, एक एक्सेलरेशन आपका सेंटर की ओर है और एक दोस्तों इसके टेंजेंट है, इसको अपन ए टी कहेंगे, इसको दोस्तों अपन ए सी कहेंगे, एक एक्सेलरेशन ये है एक एक्सेलरेशन ये है, त्वरण आप जानते हो वेक्टर क्वांटिटी है सदिश राशि है, तो रिजल्टेंट आपका हो जाएगा, तो इसका जो रिजल्टेंट ए है माय डियर सन वो है ए स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, क्लियर। अब मुझे ए सी निकालना है और ए टी निकालना है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ए टी निकाल देता हूं, तो ए टी का मतलब क्या हुआ, सिंपल टेंजेंट एक्सेलरेशन स्पर्शरेखा त्वरण यानी रेखीय त्वरण, रेखीय त्वरण क्या होता है
अल्फा मल्टीप्लाई आर, अल्फा मल्टीप्लाई दिखते अल्फा मेरे पास पड़ा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अपन जानते हैं एटी इक्वल टू क्या होता है, अल्फा आर। तो अल्फा बिल्कुल स्पष्ट क्या है, पूरा 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 है। आर की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है, तो मीटर में चेंज करेंगे 1/2 है, ये 1 हो गया। तो पूरी क्लास ध्यान दे, एटी की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब दोस्तों एसी निकालना है, तो एसी आप जानते हो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। मेरे पास ओमेगा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं दोस्तों फी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर। लेकिन हम जानते हैं ऐसा भी कुछ नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम ये भी तो जानते हैं। लेकिन अल्फा इक्वल टू ओमेगा वाई टी जानते नहीं क्या, ओमेगा डी, एक ही बात है, डी ओमेगा बोल दो क्या फर्क पड़ता है। तो ओमेगा अल्फा टी, तो तेरे सामने क्या आ गया भाई, अल्फा टी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई आर। आ जा बच्चे, अल्फा बोले तो 2, टी बोले तो 2, अगला खुद कह रहा है 2 सेकंड बाद, ओके इसका स्क्वायर कर। आर बोले तो 1/2, ये तेरा भाई 2 4 4 का स्क्वायर 16 भाग दो, ये तेरा 8 आ गया। दोस्तों इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 8 है, तो यदि अपन इसको ऐसे करें 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो दोस्तों नो डाउट ये ऑलमोस्ट 8 के आसपास ही आएगा, 8 के आसपास एक आंसर है। देखो निश्चित इसका आंसर 8 से बड़ा आएगा, पर 8 से बड़ा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए टिक इस पे मार देंगे। ओके थैंक यू दोस्तों, ये क्वेश्चन करवाते करवाते मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, ये 4 डेटा बड़े खूबसूरत, लो मैं इन सबकी टेबल तैयार कर देता हूं। देखो डियर जगह की तो दिक्कत, हम यहां बना लेते हैं इसको, कि जैसे ये अपना कोई सर्कुलर मोशन है, तो आपने कहा कि इस पे 4 है, एसी इधर लग रहा है और एटी इधर लग रहा है, तो ये किस प्रकार की गति हो सकती है। अगला कहता है एसी 0, एटी इक्वल टू 0, एसी भी 0, एटी भी, एसी 0 होते सर्कुलर मोशन तो नहीं, सीधी बात है। सर्कुलर मोशन की पहली शर्त क्या भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्तीय गति की पहली शर्त है अभिकेंद्रीय बल, वो 0 बल तोड़ने की बात है भाई, एम से मल्टीप्लाई कर दो फोर्स बन जाता है दोस्तों। तो ए इक्वल टू 0, यहां कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो ये एक यूनिफॉर्म, एक समान, एक रेखीय गति होगी। क्लियर, ध्यान दो, एसी 0 सर्कुलर नहीं हो सकती, एटी 0, एटी 0 का मतलब लीनियर मोशन है जिसका एक्सीलरेशन नहीं है, एक समान रेखीय गति होगी। अगला देखो, एसी 0 सर्कुलर मोशन नहीं है, एटी नॉट इक्वल टू 0 यानी एटी 0 नहीं है, तो रिजल्ट क्या होगा, ए इक्वल टू 80, ये क्या है, एक त्वरित रेखीय गति है, एक्सीलरेटेड लीनियर मोशन है। थर्ड, एसी नॉट इक्वल टू 0 और एटी इक्वल टू 0, दोस्तों स्पष्ट कहता एसी नॉट इक्वल टू 0, सेंट्रीपिटल फोर्स 0 नहीं है, अभिकेंद्रीय बल 0 नहीं है, पर स्पर्श रेखीय बल क्या है, 0 है, तो इसका एक किसके होगा, ए टू एसी, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और थर्ड है एसी नॉट इक्वल टू 0, एटी नॉट इक्वल 0, जो कुछ अभी आपने किया है, तो उसका ए क्या हो गया, एसी स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर, ये एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ध्यान से बोर्ड पे आ जाओ, ये एक बहुत प्यारी चीज है, एसी, एटी और रिजल्टेंट। क्लियर, थैंक यू। आर त्रिज्या के किसी ऊर्ध्वाधर लूप में एम द्रव्यमान किसी पिंड को किस निम्नतम वेग से प्रवेश करना चाहिए, कि पास को पूर्ण, दोस्तों याद सबका √5 rg, सबको याद होता है, लेकिन √5 rg कहने से काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि √5 rg तो चलो मान लेते हैं, बट ये कैसे आया, ये √5 rg कैसे आता है, इसकी थोड़ी क्लास लगाएं अपन, एग्री हो सब लोग, इसका नाम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। शुरू करूं तो मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात आपसे करने जा रहा हूं दोस्तों, ओके बात शुरू करें, आ जाए दाना ऐसे, देखो ये तो होता है हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन, ये क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके डियर, ये लो जी, ये आपका है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सपोज करो आपने झूला मान लो अपना यार, ये झूला होता ना, ऐसे झूला झूलता है, एक कल्पना करो झूला ऐसे पूरा हो रहा है, ऐसे पूरा झूला चल रहा है किसी रोड के सापेक्ष, तो देखो वहां गया, फिर यहां आएगा, फिर झूला यहां, फिर झूला यहां, फिर झूला चलता ना, या आप किसी रस्सी को पत्थर बांध के, एक तो आप ऐसे घुमाओ तो ये हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन, एक आप ऐसे घुमाओ तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये दोस्तों आपका एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। तो अलग अलग पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या है, इसकी टेंशन क्या है, इन पॉइंट्स पे बात आपसे करूंगा मैं। इसको अपन इस तरह डिफाइन करते थे, इस बिंदु को अपन ए कह देते हैं, इस बिंदु को अपन बी कह देते हैं, इसको अपन सी कह देते हैं, इसको डी कह देते हैं, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट को अपन पी कह देते हैं। बात शुरू करें दोस्तों, यहां ये बॉडी है, तो इस पे एक फोर्स क्या लग रहा है, एम जी, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस आप जानते हो दोस्तों क्या है,
एल है, ये पार्टिकल मानो ए से मूव करके पी पे गया, ए से मूव करके पी पे गया, चलो भैया ए से मूव करके पी पे गया, तो कितना ऊपर उठाए, माना कि एच उठा, तो एच कितना है इस डिस्टेंस में से डिस्टेंस माइनस कर दो, ये डिस्टेंस कितनी होगी एल कोस थीटा, क्यों ये डिस्टेंस कितनी है एल, ये कौन है थीटा, क्या हो गया एल कोस थीटा, तो सबसे पहले तो एच की वैल्यू क्या आ गई एल माइनस एल कोस थीटा, बोलो हाँ या ना, बेस्ट है बहुत काम आएगा, ये डिस्टेंस कितनी है एल, ये कितनी है एल कोस थीटा, आप जानते हो डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सॉरी आपको डिस्प्लेसमेंट मेजर करना यहां पे वेक्टर के रूप में लेना है, तो ये एल है ये, तो ये पर्टिकुलर परपेंडिकुलर एच होगी, तो एच इक्वल टू एल माइनस एल कोस थीटा, यानी ये बॉडी एस शिफ्ट हो गई, एनर्जी कंजर्वेशन, यहां का काइनेटिक प्लस पोटेंशियल और यहां का काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, शुरू करें, माना यहां इसकी वेलोसिटी क्या है यू और यहां इसकी वेलोसिटी क्या है वी, शुरू करें तो यहां इसकी सारी एनर्जी क्या है काइनेटिक है, पोटेंशियल यहां पर क्या है जीरो, काइनेटिक दोस्तों क्या है हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू, यहां जब आया तो एक पोटेंशियल भी होगी, कितनी एम जी एच, यस कितनी होगी डियर एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, माना वी है, ओके डियर, अब आप ऐसा करो इसको इधर ले लो, तो एक काम करो हाफ एम को कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू क्या है डियर, साथ में मेरा भैया एम जी एच, ठीक है ना, देखिए इधर लेके आया हाफ एम को कॉमन आउट किया, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई एम जी एच, ओके डियर, इसको इससे कैंसिल आउट कर दे, बहुत प्यारा क्वेश्चन अभी है, मेरा प्रिय प्रश्न है, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू क्या है टू जी एच, मुझे वी चाहिए ना, U तो इनिशियल है मुझे V चाहिए, तो V स्क्वायर को इधर रखे, तो ये तेरा U स्क्वायर माइनस 2GH, तो भैया देख V की वैल्यू आ गई U स्क्वायर माइनस 2GH, बोल हाँ या ना, चलो बोल आया, ये एक कोई पेंडुलम है जो यूं मूव कर रहा है और ये पूरा मूव कर जाए इसकी बात करनी है अपने को, तो H शिफ्ट हुआ ना, तो H क्या हुआ L माइनस L cos थीटा, मैं ए से पी बिंदु पे गया, ए का इस एनर्जी कंजर्वेशन पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, अब तू जानता है यहां पोटेंशियल क्या है जीरो, सारी क्या है काइनेटिक, यहां पोटेंशियल क्या होगी एम जी एच और ये क्या होगी काइनेटिक, तो इस एच को अपने शिफ्ट कर दिया, तो वी बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, बोल हाँ या ना, कोई गड़बड़, ये क्या है डियर इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है, अब आपको इसका टेंशन निकालना हो तो दोस्तों टेंशन कैसे निकलता है आप उस पे आ जाओ, मैं कहता हूं साहब ये सिस्टम है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन करने की बायजू दुनिया में एक ही शर्त है एम वी स्क्वायर बाई आर, इसके अलावा सर्कुलर मोशन की दूसरी कोई चीज नहीं हो सकती, ये नहीं है ना तो सब बेकार है, अब आप खुद देखो इसमें टेंशन तो किधर है सेंटर की ओर, एम जी किधर है नीचे की ओर, आप इस पॉइंट पे खड़े हो तो चलो आप थोड़ा मॉडिफाई कर लो, ये दोस्तों आपका एम जी है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा एम जी कोस थीटा, इधर टी है, टी किधर है अंदर की ओर, एम जी कोस किधर है बाहर की ओर, ठीक है डियर, बड़ा कोण है टी, क्योंकि एम जी कोस थोड़ा बड़ा होता तो ऐसे टूट जाएगी, इसलिए बड़ा कोण हुआ टी, टी माइनस एम जी कोस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, बोल हाँ या ना, टी माइनस एम जी कोस थीटा, ठीक है डियर, टी माइनस एम जी कोस थीटा इक्वल टू क्या हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर, आर इसकी लंबाई, कोई इसको एल कहता कोई इसको आर कहता कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अब एक काम कर आप इसकी वैल्यू पुट करें जरा, टी माइनस एम जी कोस थीटा इक्वल टू एम, तो एम है क्या है वी स्क्वायर, वो रहा U स्क्वायर माइनस 2GH अपॉन L ले लूं यहां पर थोड़ा सा L यहां पर इसकी लंबाई के रूप में काम आ जाता है, तो आपके सामने सामने कौन इस तरह फॉर्मूला बन जाएगा V की जगह क्या आ जाएगा ये फॉर्मूला भी आप पुट कर सकते हो T इक्वल टू माइनस एम जी कोस थीटा एम यू स्क्वायर माइनस 2GHL, तो ये इसके रूप है, लेकिन हमें एग्जाम में इतना डेरिवेशन करने के बाद तो जाना नहीं है, हमें तो सीधा सीधा भैया लास्ट में याद रखना पड़ेगा,
तो एक आपको याद करा दिया मैंने, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी है v इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। क्लियर? तो सबसे पहले तो मैं आपको इस फॉर्मूला याद करा देता हूं, उसके बाद टेंशन का, फिर यहां का टेंशन याद है ना, दूसरी याद करो, याद करो टेंशन क्या होता है 6 mg, यहां क्या होता है 3 mg, यहां क्या होता है 0, याद करो वेलोसिटी यहां क्या होती है √5 rg, यहां क्या होती है √3 rg, यहां क्या होती है √rg, याद आ रहा ना सबको, हमें उस पॉइंट पे आना है। तो उस पॉइंट पे आने के लिए हमें इस सारी चीजों को आपको एक बार समझना था, ठीक है डियर? तो इस बात को एक बार वापस से हम लिखना शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अलग अलग पॉइंट पे उस पार्टी की वेलोसिटी क्या है, उसकी टेंशन क्या है, वो निकालते हैं। और अल्टीमेट आपको टिप्स याद करा दूंगा मैं, ठीक है? ये 5 से 7 मिनट का खेल है, आ जाओ जी। देखो भाई, ये मान लो कोई पेंडुलम है जो इस प्रकार से वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है डियर? ओके डियर, इसको थोड़ा सा अपना ऐसे डिफाइन कर देते हैं। ये पॉइंट मान लो कि ए है, ये पॉइंट मान लो कि बी है, ये पॉइंट मान लो सी है। जब ये पॉइंट यहां है बोल तो आप जानते हो एक एम जी कोस थीटा नीचे की ओर होता है, टी इसके ऊपर की ओर है। इसको दोस्तों मूव करके अपने इस बिंदु पे लेके आ जाएं, तो हम सब जानते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, तो यहाँ ये फोर्स क्या हो जाएगा एम जी कोस थीटा, टी हमेशा इस तरफ रहेगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा एम जी कोस थीटा। ओके डियर, अब अपन इस पे एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से इसको स्टार्ट करते हैं। देखो यहां बोल है, बोल ए से पी बिंदु पे गई, एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करना है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। दोस्तों ए पॉइंट पर एनर्जी क्या है हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल क्या है 0, उस पे क्या है माना वेलोसिटी वी है, वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल क्या होगी एम जी एच। एच क्या है डियर, एच आप देखिए डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है जिसको अपन क्या कहेंगे एच। अब ये एंगल थीटा है तो डिस्टेंस क्या है एल कोस थीटा, ये डिस्टेंस क्या है एल, दाने बोर्ड पे ये क्या है एल, ये क्या है एल कोस थीटा। तो स्पष्ट हो गया एच की वैल्यू क्या होगी एल माइनस एल कोस थीटा। ओके डियर, तो आपके सामने फॉर्मूला बना हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर एम जी एल को मैं आपको बाहर निकालू कॉमन 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है डियर। एच इक्वल टू, या आप एच पुट कर सकते हो एक बार, चलो डेरिवेशन के वो एक बार लंबा नहीं करें, आप इसको एक बार सिंपली एच रख लो। अब आप एम से एम कैंसिल आउट करो, टू को उधर लेके जाओ, तो यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस टू जी एच। ओके डियर, बहुत ध्यान से देख रहे हैं। तो आपकी वेलोसिटी वी क्या आ गई, देखो वेलोसिटी वी स्क्वायर का नया फॉर्मूला आ गया, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। एक बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। अब एच की वैल्यू पुट करना चाहेंगे, डिलीट कर दूं, एनर्जी कंजर्वेशन काम ले रहा हूं, यहां की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहां की अल्टीमेट मुझे फॉर्मूले पे आना, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूं आपसे मैं। तो दोस्तों ये आपके सामने आ गया, वी स्क्वायर वी P पॉइंट वेलोसिटी है, U इनिशियल वेलोसिटी है, H उसका डिस्प्लेसमेंट है, और G हम जानते हैं कि आवश्यकता नहीं है। तो V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर माइनस 2GH। तो डियर अब इसको अपन थोड़ा सा मॉडिफाई करें, तो आपके सामने सामने V स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया U स्क्वायर माइनस 2GH। H क्या होता है L बाहर निकाल लो 1 माइनस कोस थीटा। अब दोस्तों इस V को आप ऐसे बनाना चाहो तो आपके सामने फॉर्मूला बन गया U स्क्वायर माइनस 2G एल बाहर निकाल लो 1 माइनस कोस थीटा। ये किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी आपको निकालनी हो तो आप निकाल सकते हो यू स्क्वायर माइनस 2GL 1 माइनस कोस थीटा। ये दोस्तों इसकी वेलोसिटी के फॉर्मूले आ गए, इज इट क्लियर? ओके थैंक यू। अब हम आते हैं इसकी टेंशन पे, किसमें टेंशन क्या क्या है। तो टेंशन की बात करें तो आप खुद कह रहे हो कि मोमेंट कौन सा भैया सर्कुलर है, कौन सी है विकेंद्रीय बल चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, टी किधर है अंदर की ओर, mg किधर है नीचे की ओर, mg cos थीटा बड़ा कौन होगा t, क्योंकि mg cos बड़ा हो गया तो रस्सी टूट जाएगी दोस्तों t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन l, बस ये इसकी कंडीशन हो गई। v की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये सब चीजें आपके सामने है। तो अलग अलग पॉइंट पे
इसके जो फॉर्मूले बनते हैं, अब मैं सीधा उस पॉइंट पे डियर आपको लेके आता हूं। जैसे अपन बात करें वेलोसिटी की और टी की, सबसे पहले बात हम करें पॉइंट ए की। ये मेरा पॉइंट ए है, इस पे ये बॉडी मिनिमम सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन करे। इसकी पहली शर्त है दोस्तों, यहां इसकी स्पीड होगी रूट 5 rg और टी का मान होगा 6 ng। यदि दोस्तों आप बिंदु सी पर आ जाते हैं तो वहां कम से कम स्पीड होगी √rg और टेंशन वहां होगा 0। ये इसकी कंडीशन है, ये आपको बिल्कुल खोपड़े में सेट करनी पड़ेगी, ये इसकी कंडीशन है। यदि ऐसा नहीं है तो वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। और यदि आप बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट पे आप याद कर सकते हो दोस्तों, बी पॉइंट पे इसकी जो स्पीड है, बी पॉइंट की स्पीड है वो आएगी √3 rg और टेंशन है दोस्तों 3 mg। ठीक है डियर, ये इसके तीन स्टेप हैं जो आपको याद रखने हैं। अब इसका मास्टर फॉर्मूला जो बन जाता है, हम उस फॉर्मूले की बात करें तो आप उस फॉर्मूले पे आ जाते हैं। एक मिनट, हम क्वेश्चन नंबर 22 की हमने बात की और यहां तो हमने साफ कह दिया भाई आर त्रिज्या के किसी ऊर्ध्वाधर लूप में एम द्रव्यमान किसी पिंड को किसी निम्नतम वेग से प्रवेश करते हैं तो वो पास को पूर्ण कब करेगा, जब उसकी वेलोसिटी √5 rg हो। तो याद रखना पड़ता ना इसके दोस्तों, हम जानते हैं बाकायदा दो डेरिवेशन है, तो प्लीज उन डेरिवेशन पे आता हूं मैं। क्या डेरिवेशन है कि ऊर्ध्ववर्तुल गति वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बिंदुओं के अलग अलग पॉइंट पे बॉडी का वेलोसिटी क्या है, उसका टेंशन क्या है। ये एक अच्छा डेरिवेशन है, पहले डेरिवेशन करते हैं और डेरिवेशन करने के बाद अल्टीमेट हमें उसके डेटा याद रखने, पर डेरिवेशन की बात थोड़ी सी हम लोग कर लेते हैं। कोई बच्चा देख रहा हो, 11th का भी देख सकता बच्चा, दोस्तों आ जाओ। ये एक सर्कुलर मोशन है, देखो डियर यहां ये बॉडी है तो हम जानते हैं इस पे नीचे की ओर क्या है, mg है। हम थोड़ा सा इसको इस तरह से चेंज कर ले, ठीक है डियर। अब हम इसको उठा के यहां से यहां ले जाएं, ये एंगल दोस्तों थीटा है, ये आप जानते हो ये mg है, तो यहां इसका वो एंगल थीटा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका mg cos थीटा। टी दोस्तों नीचे की ओर है, mg cos थीटा बाहर की ओर है और सेंट्रीपेटल फोर्स भी बाहर की ओर है, जिसको अपन mv² / l कहते हैं। और दोस्तों ये यहां से यहां तक आने में आपके सामने ये बॉडी कितना ऊपर शिफ्ट हो गई भाई, h आपकी शिफ्ट हो गई, ये लंबाई l है, ये एंगल थीटा है, तो ये डिस्टेंस प्लीज ये l है, ये थीटा है, ये क्या होगी l cos थीटा। तो सबसे पहले तो यहां h की वैल्यू क्या आई, l माइनस l cos थीटा, क्लियर, h इक्वल टू l माइनस l cos थीटा। ओके डियर, अब ये बॉडी इस मैं बिंदु को a कह दूं, इसको मैं b कह दूं, इसको मैं c कह दूं, इसको मान लो d कह दूं और इस बिंदु को p कह दूं, ये मेरा बॉडी या मेरा पेंडुलम दोस्तों मानो a से p गया, एनर्जी कंजर्वेशन का रूल फॉलो करना है, ठीक है डियर। उसके पहले जो टेंशन की बात करें तो आप जानते हो दोस्तों टी अंदर की ओर है और mv² t आपका अंदर की ओर है, ठीक है डियर, माइनस mg cos थीटा बाहर की ओर है, वो दोनों किसके बराबर होंगे, mv² / l के बराबर होंगे। तो आप इसको सीधा भी कह सकते हो t = mv² / l प्लस mg cos थीटा, ये इसके फॉर्मूला टेंशन का हो गया। फिर देख लो t अंदर की ओर, mg cos थीटा बाहर की ओर, mv² / l के बाद बाहर की ओर, दोनों बैलेंस कर दो तो t - mg cos थीटा मिला कहां से, t अंदर की ओर, mg cos थीटा बाहर की ओर, इन दोनों के कारण इसको एक अभिकेंद्रीय बल मिलेगा, तो t - mg cos थीटा = mv² / l, t = mv² / l + mg cos थीटा। यहां तक एक बात आई, अब हम दोस्तों इस पे एनर्जी कंजर्वेशन पे इसको लेके आते हैं कि बॉडी दोस्तों a से p पे जब आ रही है तो उसका एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, तो ए का काइनेटिक प्लस पोटेंशियल = p का काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो दोस्तों ½ mu² पोटेंशियल वहां पर क्या है 0, यहां काइनेटिक क्या है ½ mv² + mgh। देखो m सब कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके सामने क्या बनेगा डियर, u² = v² + 2gh, और देखा जाए तो फॉर्मूला आपका क्या बन गया, v² = u² - 2gh, यानी v की दोस्तों बात करें तो फॉर्मूला बन जाएगा u² - 2gh, क्लियर, ये कॉमन फॉर्मूला, इसमें h है, h आप जानते शिफ्ट होता रहता है, ठीक है ना, h यदि आप यहां से यहां गए तो h क्या बन जाएगा l के बराबर, आप यहां से यहां चले गए तो h क्या बन जाएगा 2l के बराबर, और किसी अलग अलग एंगल पे है तो h = l - l cos थीटा।
तो ये अलग अलग इसकी कंडीशंस रहेंगी। ठीक है भाई, तो ये आपके सामने टी का फॉर्मूला हो गया और वी का फॉर्मूला हो गया। अब टी और वी के जो हमारे डेरिवेशन है, हमारे जो फॉर्मूले हैं, उनको थोड़ा सा हम आपस में कोरिलेट कर देते हैं। तो डियर, कोरिलेट कैसे करें, आप आ जाए, थोड़ा सा डेरिवेशन लेने दी है, डेरिवेशन इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको अगली चीजों पे रट्टा नहीं मारना हो। आ जाओ डियर, तो आप खुद कह रहे हो टी इक्वल टू एम जी कोस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बट्टे एल। ओके डियर, तो ये एम जी कोस थीटा प्लस एम बाई एल बाहर निकालो तो क्या भाई, वी स्क्वायर ये तेरे सामने है, यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ले भैया, ये तेरा टी का फॉर्मूला हो गया, वो टी का फॉर्मूला है, ये तेरा वी का फॉर्मूला है, बट ये तो डेरिवेशन है। अब इसको स्टैंडर्ड रूप में लेना हो, इनको मास्टर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना हो, तो हम उस शर्त पे आए। तो दोस्तों, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की दो शर्तें सुन लो, यहां वेलोसिटी कम से कम रूट फाइव आर जी होनी चाहिए, यहां रूट आर जी होनी चाहिए, यहां टेंशन सिक्स एम जी होना चाहिए और यहां टेंशन जीरो होना चाहिए, कंडीशन है, इतना याद करना होगा तेरे को। ठीक है, अब उसकी मतलब कंप्लीट टेबल बना के उस पर बात करता हूं तेरे साथ में। ठीक है, तो डियर मैंने पहले आपको पूरा समझाया, अब मैं इसको मास्टर फॉर्म ले आता हूं। ये आपका ए पॉइंट, पी, बी, सी, अलग अलग पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, टेंशन क्या होगी। तो ये दोस्तों वेलोसिटी का मास्टर फॉर्मूला प्लीज ये आपको याद रखना ही होगा। किसी भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में फॉर्मूला वेलोसिटी का जी एल कोस्टिक में थ्री प्लस टू कोस थीटा। अब सपोज कर तू ए पर खड़ा है, थीटा क्या हो गया जीरो, कोस जीरो क्या हो गया एक, तीन दो पांच, तो रूट पांच एल जी हो गया। तो पी पर आया तो कोई थीटा है, हो गया। बी पर थीटा क्या हो गया 90, तो कोस 90 क्या हो गया जीरो, तो क्या आ गया रूट थ्री एल जी आ गया। सी पर चल, थीटा 180 हो गया, तो ये माइनस, तो ये आपका रूट जी एल आ गया। बी और डी एक कंडीशन है। अब टेंशन का फॉर्मूला देख ले, टेंशन का फॉर्मूला थ्री एम जी वन माइनस कोस थीटा। ये डेरिवेशन की बड़ी लेंदी बात है, क्लास में टीचर पढ़ाता बात करते हैं, हम सेशन के एंड पे इतनी बात नहीं कर सकते। याद कर लो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का फॉर्मूला है रूट जी एल थ्री प्लस टू कोस थीटा, और टेंशन का फॉर्मूला है थ्री एम जी वन माइनस कोस थीटा। किसी पॉइंट पर आप जाके खड़े हो जाओ, कहीं को टेंशन नहीं है। तो डियर ये आप जानते, ए पर सिक्स एम जी, बी पर थ्री एम जी, सी पर जीरो होता है, डी पे थ्री एम जी, ये मास्टर फॉर्मूला है। तो तेरे सामने सामने क्वेश्चन आ गया कि दोस्तों रूट फाइव आर जी कहां का वेलोसिटी है, ए, तो कम से कम उसकी स्पीड ए पॉइंट पर रूट फाइव आर जी बोल दो, एक ही बात है, जीएल बोल दो, रूट फाइव आर जी हो। और दोस्तों सी बिंदु उसकी स्पीड वेलोसिटी की बात है, रूट आर जी हो। ये मिनिमम कंडीशन है, ये ऐसा नहीं है, इसके अंदर आप हैं तो डियर आप किसी भी कीमत पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर सकते। इसमें भी दो कंडीशंस हैं, उनकी बात आपसे मैं कर लेता हूं। हाँ दोस्तों, अगला एक कॉन्सेप्ट एक बार फिर याद करो। देखो ए बिंदु पे मैं बात कर रहा हूं मिनिमम वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो, तो यहां टी सिक्स एम जी, यहां टी जीरो, यहां वेलोसिटी रूट फाइव आर जी, यहां वेलोसिटी रूट आर जी, यहां टेंशन थ्री एम जी और वेलोसिटी भी रूट थ्री आर जी। अब एक कंडीशन है, यू ए ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव रूट फाइव आर जी, तो क्या होगा। वो कहता यदि ए पॉइंट पर मिनिमम होना चाहिए वर्टिकल मोशन करने में, कितना चाहिए मिनिमम रूट फाइव आर जी, बट वो कहता कि यदि रूट फाइव आर जी से ज्यादा मेरा यू ए हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट है, उस कंडीशन में किसी भी बिंदु पे डोरी का तनाव शून्य नहीं होगा। यहां जो तनाव जीरो है, ध्यान दे क्लास, यहां तनाव जीरो तब होता है जब यहां वेलोसिटी एग्जैक्टली रूट फाइव आर जी आपको दे। अब ये चीजें सब्जेक्टिव खत्म करके टिप्स भी करनी पड़ेंगे। यदि यहां वेलोसिटी एग्जैक्टली रूट फाइव आर जी है तो यहां टेंशन जीरो होगी, बट यदि यहां ऑलरेडी थोड़ा सा आपने पुश कर दिया और ज्यादा, तो यहां टेंशन जीरो नहीं होगी। दूसरी कंडीशन, यू ए इक्वल टू जस्ट इक्वल रूट फाइव आर जी, तो यहां टेंशन क्या हो जाएगी जीरो। और एक बहुत प्यारी कंडीशन है दोस्तों, यू का मान रूट टू आर जी से बड़ा है और रूट फाइव आर जी छोटा है। ध्यान दे क्लास, रूट फाइव आर जी छोटा है और रूट फाइव बड़ा है, यानी यू जो है, तो दोस्तों ये पार्टी कभी सी पर नहीं पहुंचेगा। ये दोस्तों यहां कहीं बी को तो पार कर जाएगा, कॉमन सेंस के बाद बी को पार, यहां जाके कहीं गिर जाएगा। गिरने का मतलब वहां पथ को छोड़ के ये परवलयाकार पथ पे गति कर जाएगा। उसके बाद एक कंडीशन बनती है, यू इक्वल टू रूट टू आर जी, एग्जैक्टली रूट टू आर जी है तो दोस्तों भाई यही घूमता रहेगा, बी तक जाएगा, और यू ए लेस देन टू आर जी तो यहां हल्का सा ये एसएचएम करता रहेगा। ये एक ठीक सी प्रॉब्लम थी। तो मैंने प्रयास किया एक छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से, मैंने कंप्लीट आपको
वर्टिकल सर्कुलर मोशन को समझाने की कोशिश की, उसके जो फॉर्मूले थे वो आपको बताए गए थे, वो आपने याद कर लिए होंगे कि दोस्तों टेंशन का फॉर्मूला बनता है 3mg कोष्टक में 1 माइनस कोस थीटा, और फॉर्मूला बनता है वेलोसिटी का रूट में जीएल कोष्टक में 3 प्लस 2 कोस थीटा। अब इसके बाहर मैं नहीं मानता, इसमें कुछ एग्जाम में आने वाला है। ओके थैंक यू। हाँ तो डियर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें, क्वेश्चन 23 नीट 2016 में आया है, तो बड़ा स्पष्ट कहता है 10 ग्राम द्रव्यमान का कोई कण 6.4 सेंटीमीटर लंबी रेडियस के एक सर्किल के अनुदिश निस्पर्श रेखीय त्वरण से गति करता है, यदि गति प्रारंभ करने के पश्चात दो परिक्रमाएं करता है उसके बाद उसकी ऊर्जा 8 × 10⁴ हो जाती है, तो इस एक्सीलरेशन का परिमाण बताओ। देखो भाई वही चीज, ये लो, ये यहां पार्टिकल है और यहां केवल अगले इसकी बात की है, ये तो है ना, ये पार्टिकल हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई, ये दोस्तों स्पष्ट कहता अगला कि इसके टेंजेंट रेखीय त्वरण है, एनर्जी आपकी आपके सामने है, तो इसके त्वरण का परिणाम निकाल रहा है। ठीक है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपन जानते हैं, हाफ एमवी स्क्वायर इक्वल टू 8 × 10⁴। इन सबको दोस्तों वैल्यू पुट करके मैं निकालूंगा, तो निकाल रखा मैंने वी का मान आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। अब ये थोड़ा सा आप खुद कर लें कैलकुलेशन, आ गया ये वी की वैल्यू आ गई। अब दोस्तों आप जानते हो कि रेखीय गति है, लीनियर मोशन है, तो कौन काम आएगा, इक्वेशन काम आएंगी, तो क्या इक्वेशन होती है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, ये तो आपका जीरो है, तो डियर वी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 2 ए एस, कितना हो गया 4 पाई आर, वी की वैल्यू आपके सामने दे रखी है। इन सबको अभी मल्टीप्लाई किया, गुणा भाग किया, तो दोस्तों एग्जैक्टली जो ए की वैल्यू हमारे सामने आएगी वो आएगी 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, उसको आप मैं थोड़ी बाईपास कर देता हूं कि हाफ एनर्जी से वहां मैंने वी की पुट कर ली, फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 2 ए एस, एस को मैंने 4 पाई आर क्यों रखा, क्योंकि अगला स्पष्ट कह रहा भाई देख दो साइकिल, तो 2 पाई आर 2 पाई आर 4 पाई आर, क्लियर। ओके थैंक यू। क्वेश्चन 24 नीट 16 में, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं जो इसको कर रहा हूं मैं बड़ा मजा है, वो चाहिए क्वेश्चन। टू कार पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम इन स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्सपी एक्सक्यू, एट व्हाट टाइम टू डू कार हैव द सेम वेलोसिटी। दोस्तों कुछ नहीं करना, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी। और दोस्तों अगला खुद कह रहा है कि वेलोसिटी बराबर कब होगी, दोनों को बराबर कर दो, टी क्यू निकाल दो यार, करना क्या है, प्लीज क्वेश्चन की थ्योरी पे जाएं। क्या कहता है, दो कार पी क्यू एक ही समय पे एक ही बिंदु से स्टार्ट हुई, एक का डिस्प्लेसमेंट मतलब ये पोजीशन वेक्टर ये है, ये दूसरे का पोजीशन वेक्टर है, किस समय पे दोनों कारों के वेग समान हो जाएंगे। मैं 2 दिन से बात कर रहा हूं, आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हो यानी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ हो, एक बार डिफरेंशिएट करो, क्या बन जाएगा वेलोसिटी। आ जाओ जी आप इसका करो डी एक्स पी डी टी इक्वल टू क्या है ए प्लस 2 बी टी, याद है ना ए टी का टी, ये दो नीचे अभी तक तो कर लोगे यार आप, आजकल से सीख रहे हैं भाई, ये दोस्तों टी एक्स क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होगा एफ माइनस 2 टी, किसके सापेक्ष कर रहे हैं अपन, टी के सापेक्ष। अगला स्पष्ट कहता है डियर कि दोनों की स्पीड बराबर है, तो लो मैं यहां सीधा लिख दूं ए प्लस 2 बी टी इक्वल टू एफ माइनस 2 टी, हमें क्या पूछा भैया अगले ने टी पूछा ना, ओके तो टी को एक तरफ ले लो, तो ए ऐसा नहीं करें एफ को उधर रखो, तो एफ माइनस ए इक्वल टू इसको इधर लाओ 2 बी टी प्लस 2 टी, ओके डियर। तो अब आप इसमें से टी कॉमन आउट करें तो ये आपके सामने है एफ माइनस ए 2b + 2, एफ माइनस ए 2b + 2, तो मेरे हिसाब से आपका थर्ड आंसर हो गया 2 + 2b, ये रहा यार क्या दिक्कत है भाई। ओके बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थैंक यू। हाँ तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखो बड़ा वही, ये भी क्या है सर्कुलर मोशन, बहुत सारा क्वेश्चन है दोस्तों, जहां एटी भी है और एसी भी है, तो स्पष्ट कहता है दर्शाया गया आर एक आर इक्वल टू 2.5 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पे दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कुल त्वरण को किसी क्षण ए इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से निरूपित किया जाता है, तो इस कण की चाल क्या है। देखो डियर यहां ये कुछ अल्फा है जिसकी वैल्यू क्या है
अगले दे रखी है। अब 30 डिग्री एंगल पे इसने कन्वर्ट कर दिया, तो आप कुछ नहीं करना, इसको बिल्कुल सीधा सीधा अभी किनारे बढ़ा दो, कंपोनेंट डिवाइड कर दो, बहुत स्पष्ट है। एसी इक्वल टू 15 कोस 30 डिग्री, लो जी कुछ नहीं करना, 15 कोस 30 डिग्री। और इसको माय डियर आप जानते हो, वी स्क्वायर इक्वल टू आर के इक्वल कर दो, बस 15 ये क्या होता है रूट 3/2 इक्वल टू वी स्क्वायर, आर कितना है 2.5 मीटर। इसको दोस्तों मैं सोल्व करूंगा तो मेरा ऑलमोस्ट इससे जो आंसर आ रहा है वो 5.7 मीटर पर सेकंड के आसपास आएगा। ये मैंने आपको थोड़ी पढ़ा, जिससे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो रहे हैं, दिए ध्यान दे क्लास पे कि ये निश्चित रूप से ये 30 डिग्री है, ये डिफाइन कर रखा है, 15 cos 30 में कन्वर्ट कर लो, एसी को कर दिया ना, एसी को कन्वर्ट कर दिया, वो किसके बराबर होता है वी स्क्वायर इक्वल टू आर के, बस तो वैल्यू पुट कर दिया। आप देखो यहां कंपोनेंट है, सेंट्रिक्योर कर दो, ये सेंट्रिक्योर नहीं है ना, तो उसको सेंट्रिक्योर, ये रिजल्टेंट है, ये तो एक्चुअल में क्या है, देखो ये तो ऐसे है, ये तो एक्चुअल में ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट है। ये कौन है याद करो, एसी, ये कौन है एटी, ये ए, तो कोई दिक्कत नहीं, ए को कन्वर्ट कर दे यार, नहीं पल्ले पड़ रही क्या, कन्वर्ट कर दे कोस थीटा, बस तो एसी को 15, ये वैल्यू क्या है 15 दे रखी है अगले ने, बस सिंपल बात मेरे भाई, थैंक यू। क्वेश्चन 26, ये मेरा वेक्टर का मास्टर क्वेश्चन लगता है मेरे को, मैंने एकदम अभी आपको वेक्टर पढ़ाया था ना, 3D को 2D में बढ़ा दो, 2D को 1D में बढ़ा दो, आप आराम से वेक्टर कन्वर्ट कर सकते हो, कहीं को फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो डियर, यदि किसी समय पर किसी कण के एक्स और वाई के, ये एक्स की वैल्यू ये है, वाई की ये है, तो 2 सेकंड बाद इस कण का त्वरण क्या होगा। देख भाई सुन, तेरे को एक्स दे रखा ना, एक बार डिफ्रेंशिएट कर वेलोसिटी आ जाएगी, दूसरी बार कर एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर टी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्रू शुरू आ जा। देख सबसे पहले ये तो है वी एक्स, वी एक्स है डी एक्स, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डी एक्स बाई डी टी, दिस इज 5 - 4t। चलो अब इसका एक बार फिर अवकलन करो तो ए एक्स क्या हो जाएगा, रे यार इतने इजीली क्वेश्चन एग्जाम आते हैं क्या, डी वी एक्स डी टी, ये क्या हो गया -4, क्योंकि तू जानता है टी के सापेक्ष अवकलन करना है, ये तो 0 हो गया, ये तेरा ए एक्स हो गया। अब आ जा भैया, चलो वी वाई बता, तो वी वाई बोले तो डी वाई बाई डी टी, डी वाई क्या है 10t, तो ये आपका 10 हो गया। अब दोस्तों इसका ए वाई चाहिए, तो ए वाई क्या होगा डी वी ए वाई डी टी, 10 का डिफरेंस क्या होगा 0। ओके डियर, अब अपन वेक्टर का एग्जैक्ट फॉर्मूला लें, तो ए इक्वल टू याद करो रे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। देखो एक्स का किया डिफरेंशिएशन वी निकाला, वी का किया एक्स निकाला, वाई का किया वी वाई आया। ओके अब तेरे सामने सामने है भैया, वैल्यू पुट कर दे, ये क्या है -4i कैप, ये तेरा क्या है 0, तो माय डियर आंसर क्या हो गया -4 m/s², सिंपल। थैंक यू। देखो डियर स्पष्ट कहता है, एल लंबाई की डोरी एक सिरे से एम द्रव्यमान का कण जुड़ा, उसका एक दूसरा सिरा एक निचले समतल मेज पे लगी छोटी सी खूंटी से जुड़ा है, यदि ये कण वर्ताकार पथ पर वी चाल से घूर्णन करता है तो इस पर लगने वाला नेट बल। दोस्तों सीधी सीधी सी बात है, ये एक कर रहा है ना, तो इसमें टी एम जी कोस थीटा एम यू स्क्वायर आर, इन सबका सिस्टम है, तो निश्चित बात है कि यहां स्पष्ट है कि यहां केवल और केवल कौन काम आ रहा है भैया, टी काम आ रहा है, केवल टेंशन काम आ रहा है, इसका आंसर क्या हो गया टेंशन। ओके थैंक यू। हाँ तो डियर ये मेरा प्रीवियस क्वेश्चन है भाई, नीट 2018 में आया है। देखो दोस्तों यहां कोई बोल रखी हुई है, ये बोल यहां से छोड़े, ये बोल स्पष्ट कहता है यू इक्वल टू 0 है, और यहां से छोड़े तो ये यहां पहुंच के कंप्लीट सर्किल कर ले, वर्टिकल हॉरिजेंटल, इसकी एक ही शर्त है भाई, इस बिंदु पे इसका चाल बोलो चाहे कुछ क्या होना चाहिए रूट आर जी, बस। तो यहां की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल और यहां की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का एनर्जी कंजर्वेशन कर दो। दोस्तों इस बिंदु, इसको आप अक्ष बिंदु कह दो, यहां सारी की सारी पोटेंशियल है कितनी एम जी एच, वहां सारी सारी क्या हो गई काइनेटिक, कितनी हाफ एम फाइव आर जी, एम एम कैंसिल आउट, जी जी कैंसिल आउट, तो एच इक्वल टू आ गया 5/2 आर, लेकिन यहां आर तो रेडियस है, डी डायमीटर है, तो और हाफ कर दो तो 5/4 कर दो, क्या दिक्कत है दोस्तों। ये है, अब ये कब कर पाए आप, हेलो ये कब कर पाए, जब आपको पता हो वर्टिकल
जब सर्कुलर मोशन होता है तो नीचे के बिंदु पे मिनिमम स्पीड रूट 5 rg होनी चाहिए, याद रखना पड़ेगा ना। ओके थैंक यू। ये क्वेश्चन नंबर 29 जो नीट 2019 में आया, इससे आसान कोई पेपर आपको बताऊं मैं, 2019 से आसान पेपर मैंने कभी मेडिकल वास्ते देखा नहीं है, तभी तो कट ऑफ दोस्तों 500 सीट गई थी। साफ कहता किसी पतले तार से जुड़े द्रव्यमान एम को किसी ऊर्ध्वाधर वाही सुन ले रहे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है, तार के टूटने की अधिकतम संभावना, जहां टेंशन अधिकतम है, याद कर टेंशन अधिकतम कहां थी, यहां थी कितनी 6 mg, द्रव्यमान के निम्नतम बिंदु पे होगी भाई, स्पष्ट, इससे ज्यादा टेंशन कहीं नहीं है, तोड़ता कौन है टेंशन। ओके थैंक यू। ओके दोस्तों फिर 2019 का क्वेश्चन देखो कितना गहला क्वेश्चन मेरी भाषा में, क्या कहता आर ए आर बी त्रिज्याओं के सेकेंडरी वर्थ है दोस्तों, सेकेंडरी वर्थ एक वर्थ ये एक वर्थ ये, इसके रेडियस आर ए इसके रेडियस आर बी। ओके ए वो भी दो पार्टिकल, कहने की बात ही नहीं, वी ए वी बी वेग से एक समान वर्ती गति कर रहे हैं, इनके घूर्णन का आवर्तकाल समान है। अरे भाई जब टी समान है क्या पूछ रहा, ओमेगा समान ही होगा यार 1:1। अरे यार बोले आदमी ओमेगा इक्वल टू 2π/T, अब क्या पढ़ाऊं इसमें एग्जाम, पता नहीं क्या क्या पूछ लेते हैं यार, इतना इतना इजी एग्जाम क्यों देते हैं पता नहीं। थैंक यू। ओके डियर बात शुरू करें आ जाओ। अगला साहब कहता जब क्षितिज से 60 डिग्री कोण पे रखे किसी लंबे चिकने आनत तल पे किसी पिंड पे शॉट लगाया जाता है तो वह तल के अंदर अक्षवन चलता है, परंतु झुकाव को घटा के 30 डिग्री कर दिया जाए तो इसी पिंड पे समान वेग शॉट लगाया जाए तो अक्ष दूरी चलता है। देखो दोस्तों लगने को तो ये लगता है कि 2D मोशन है बट ये एक्चुअली 1D क्वेश्चन है। आ जाओ देखो ये एक इंक्लाइंड प्लेन बना हुआ, देखो पूरा साथ दो मेरा, यहाँ कुछ बातें बड़ी काम की आएंगे ठीक है। ये एंगल आपका थीटा है, यहां पर एक वस्तु रखी हुई है ठीक है डियर, इसके आपने सोटा मारा, आपने इसके सोटा मारा और यहां पहुंच गई है, यहां पहुंच गई ना, इसका वेलोसिटी यहां माना कि यू है और यहां अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0, और इस दौरान इसने क्या डिस्टेंस तय की एक्स, पहले खुद का एक्स कह देंगे। अब दोस्तों इसको थोड़ा कंपोनेंट में चेंज करें तो आप सब जानते हो कि यहां जब पार्टिकल होता है तो अपन इसके ऊपर ऐसे दो अभिलंब खींचते हैं, ये हमारा क्या होता है जी, ये एंगल थीटा होता है तो ये आप जानते हो थीटा होता है, ये तो कोण होता है जी कोस थीटा, और इधर कौन सा कंपोनेंट आता है दोस्तों जी साइन थीटा। एक बात याद गांठ बांध लो, किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे जिसका एंगल थीटा है वहां जी को जी साइन थीटा से रिप्लेस कर दिया करो, सीधा मोटी बुद्धि की बात है। याद करूं बताऊं ये बात, याद करो रोटेशनल मोशन में टीचर आपको पढ़ाएंगे या पढ़ाया है जो कि नत तल पे पिंड की लौटनी गति होती है याद है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू जी साइन थीटा 1+ याद है क्या रहे के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। याद करो एक डिस्क को एक रिंग को एक साथ छोड़ते हैं पहले कौन आता बाद में कौन आता, फॉर्मूला उसका ये है ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1+ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसलिए डियर मन इसलिए हाथ से पूरा बनाया है कि जब भी इंक्लाइन प्लेन की बात आ जाए तो जी रिप्लेस्ड बाय जी साइन थीटा। अब तू जानता कि आप बोर्ड को ऐसे धक्का दे रहे हो तो ये त्वरित नहीं हो रही है ये मंदित हो रही है, तो यहां त्वरण नहीं है या मंदन है या एक्सलेशन नहीं है रिटार्डेशन है, वो सिंपली 1D मोशन है, 1D के अंदर काम कर रही है। तो माना 60 डिग्री पे जब है तो X1 चल रही है और 30 डिग्री पे है X2 चलेगी। चलो पहले एक इक्वेशन आपको बना के दिखा दूं मैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2x1 - g sin थीटा, क्यों याद है ना वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh h डिस्टेंस वो तो मैंने x1 कह दी और g नॉट g g रिप्लेस बाय g sin थीटा। माइनस क्यों आ गया क्योंकि वस्तु समय के साथ रुक रही है। ओके डियर अंतिम वेलोसिटी क्या होगी 0 क्योंकि वस्तु रोकना है, तो दोस्तों आपके सामने u स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2g x1 sin थीटा ठीक है। अगला स्पष्ट कहता है दोनों को बराबर वेग से फेंका u का मान इक्वल है g इक्वल है x1 चेंज हो रहा है थीटा चेंज हो रहा है तो आप ये कह दो यार x1 sin थीटा 1 = x2 sin थीटा 2 बोल बिड़ू तो x1 / x2 = sin थीटा 2 / sin थीटा 1 साइन थीटा 2 कौन है रे 30 डिग्री जो क्या होता है 1/2 यहां कर रहा हूं वो है 1/2 साइन 60 कितना होता है √3/2 ये √3/2 ऊपर ले जा आंसर क्या आ गया 1/√3 1/√3 31 का दोस्तों आंसर क्या हो गया इसका फर्स्ट। ओके थैंक यू। ओके दोस्तों कैसे हो भाई। तो डियर आज हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे
16 से लेके 31 तक हमने क्वेश्चन किए हैं। आज 2D पे बेस्ट क्वेश्चन थे। आज तारीख है 6 अप्रैल को हमने अभी शूट किया, अभी 2 बज रहे हैं। तो हमारे सुशील जी और सुनील जी बचाओ, आप दोनों आ गए एक बार मेरे साथ आए एक बार। आप साथियों दिखाता हूं जो दोनों मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं। शैल आज नहीं है, वो घर पे किसी काम लगा हुआ है। हम तीनों लोग मिलकर दोस्तों काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे मेरी टीम के लिए भी दोस्तों क्लिपिंग करें, तालियां बजाएं मेरे दोनों बच्चों के लिए जो बिल्कुल छुट्टी के दिन मेरे साथ बैठे हैं। आप सुशील जी हैं जो सामने हैं, करण जोहर की तरह शूट कर रहे हैं मेरे को, ये हमारे सुनील सर हैं, कहने की बात ही नहीं, सब जानते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों आज 6 अप्रैल को हम लगे थे करीब 11:30 बजे रामायण के बाद, और 16 क्वेश्चन करने में दोस्तों करीब 2.5 से 3 घंटे लग गए। अब उनको शूट किया गया, अब सुशील उसके बाकायदा एडिटिंग करके और जितना जल्दी उसके अपलोड कर देगा। तो प्लीज आप सब लोग CLC के फेसबुक पे रहें, पेज पे रहें, और CLC का यूट्यूब चैनल CL Seeker को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। और शाम को 6:30 बजे दोस्तों मिलते हैं आपसे लाइव, शायद 6:30 से पहले आज इसको अपलोड कर देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, एक दिन डेली हम आपको अपलोड करेंगे। और कल क्या होगा सुनो, कल हम न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फ्रिक्शन पे आएंगे, वर्क एनर्जी पावर पे आएंगे, वर्क एनर्जी पावर कोलिजन पे आएंगे। कोलिजन जो आप जानते हो मेरा बहुत प्रिय टॉपिक है। कल दोस्तों हम 32 से लेके 59 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कल हम लोग दोस्तों करीब 30 क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को मिलते हैं 6:30 बजे 6 बजे लाइव पे। ओके, थैंक यू, जय श्री।